بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم مختصر حمد و صلاة بعد ساڑھے اس معاشرے کے اندر تین طرح دے مہینے رائج نے نمبر ایک انگریزی مہینے اور نمبر دو دیسی مہینے اور نمبر تین اسلامی مہینے جنہاں لوگاں دا زیادہ رجحان انگریزی مہینے وال ہے او انگریزی مہینے نو یاد کر لیندے ہیں بلکہ انج کہہ لو انگریزی مہینے ساڈے فیشن دا حصہ بن گئے نے دیسی مہینے ساڈے کلچر دا اور اسلامی مہینے ساڈے دین دا حصہ بعض بندے کلچر نو پسند کردے نے او دیسی مہینیاں دی توجہ زیادہ کردے نے بعض بندے فیشن نو ترجیح دیندے نے او انگریزی مہینے نو زیادہ ترجیح دیندے اور بہت کم بندے جڑے دین اسلام ترجیح دیندے نے تے او پھر اسلامی مہینے نو بھی یاد رکھ دے افسوس دی بات ہی ہے کہ ساڈے اج دے معاشرے دے اندر اسلامی مہینے نہ ہون دے برابر جڑے تواڈے وچوں جٹکے لوگ نے انہاں نوں دیسی مہینے فر فر آندے تے عام بندیاں نوں انگریزی مہینے تا ان جاندے نے بھی جویں مہینے بعد بندے نوں بل ہوندا ہے تے اسلامی مہینے او بچے تے دور دی گل اے ساڈے وڈیاں نوں وی نہیں ہوندے بس اسلامی مہینے سانو ادوں یاد ہوندے نے جدوں عید دا چن ویکھنا ہے یا روزہ رکھنا ہوئے اسلامی جڑے مہینے نے انہاں تو اسی 100 کو میل دور آ حالانکہ حقیقت ہے
इस्लामी महीने सानू याद होने चाहिए ने, क्योंकि साड़िया कई एक इबादत इस्लामी महीने नाल जुड़िया ने। छोटी ईद का ताल्लुक, ईद उल फितर का ताल्लुक इस्लामी महीने नाल, बड़ी ईद का ताल्लुक इस्लामी महीने नाल, और हज का ताल्लुक इस्लामी महीने नाल, और भी बहुत सारिया ऐसिया इबादत ने जिहड़ियां इस्लामी महीने नाल साड़ियां जुड़ियां ने। बल्कि हुण तो ईद का चन्न भी साढ़े विच कोई बंदा नहीं वेखदा, वह भी असी रोहियते हिलाल दे जिम्मे पाया है। उन्हां दी मर्जी होवे तो 7 बजे चन्न विखा देन, मर्जी होवे तो 12 बजे चन्न चाड़ दे, क्योंकि 12 बजे दिसदा तो कोई नहीं, 12 बजे तो चढ़दा ही है। ये केड़ा चन्न जिहड़ा 11:30 बजे चढ़े रात दे। बीबियां भैणा परेशान बैठिया होंदियां ने रात दे 11:30 बजे भी, हुण दही जमाइए या सेवियां वास्ते तैयारी करिए। कसूर इहदे च साडा है कि असी अपने असल दीन तो दूर हो गए। अल्लाह पाक सानू दीने हनीफ दे करीब आण दी तौफीक अता फरमाए। बस इस गर्ज़ो गायत दे तहत मैं मुनासिब समझिया कि इस्लामी जिहड़े महीने ने उन्हां दा तुहानू तारफ करवा दिता जाए, और खसूसन हुरमत वाले महीनियां दा। तो आइए अल्लाह पाक दी पाक किताब ते और हदीस रसूल ते गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। मेरी दुआ है कि मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारिआं नू उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीनाए पाक दे नादल होण वाला अल्लाह दा कुरान सूरा तौबा आयत नंबर 36 फरमाया, इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना आशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक समावाति वल अर्द मिन्हा अरबातुन हुरम ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم। अल्लाह पाक फरमांदे ने इन्ना इद्दत शूर इंदल्लाही, अल्लाह पाक दे हां महीनियां दी गिनती किन्नी है, अल्लाह पाक ने महीने किन्ने बनाए हुए ने, इसना आशारा शहरा अल्लाह पाक ने 12 महीने बनाए ने, 12 कदों तो बनाए ने। फरमाया फी किताबिल्ला, अल्लाह पाक ने 12 महीनों लौहे महफूज विच लिख दिता है। लौहे महफूज अंदर 12 महीने लिखे गए ने, कदों तो लिखे गए ने। फरमाया यौम खलक समावाति वल अर्द मिन्हा, जदों तो अल्लाह पाक ने जमीन आसमान बनाए ने, अल्लाह ने उदों तो महीनियां दी गिनती 12 बनाइए, अज तो नहीं, अरसा 2-4 साल तो नहीं, बल्कि
अल्लाह पाक ने जदों दे जमीनों आसमान बनाए ने उदों दी अल्लाह पाक ने महीने बनाए हुए ने। पहले महीने दा नाम मुहर्रम, दूसरे दा नाम सफर, तीसरे महीने दा नाम रबीउल अव्वल, चौथे महीने दा नाम रबीउल आखर और पांचवें महीने दा नाम जमादुल उला या जमादा उला और छठे महीने दा नाम जमादुल आखर या जमादल आखर। अगले महीने दा नाम रजब, उस तो अगले महीने दा नाम शाबान, उस तो अगले महीने दा नाम रमजान, उस तो अगले महीने दा नाम शव्वाल, उस तो अगले महीने दा नाम ज़िलकअदा और बारहवें महीने दा नाम ज़िलहज्जा। ये टोटल बारह महीने अल्लाह सुबहानहु व तआला ने बारह महीने बनाए ने। मेरी पैगंबर दी आमद तो पहला जिमें साढ़े अज तारीख का सिलसिला है, अज फलानी तारीख है, फलाना महीना है, फलाना दिन है। पुराने जमाने के अंदर तारीख भी महीना भी ये नहीं सी होया करदा, अलबत्ता सालाना तारीख होया करदी सी। पुराना जमाना खोलिए सैयदना हजरत ईसा अलैहि सलातो वसलाम दी विलादत तो कबल दिवाकियात नूं मुहर्रखीन ने जे बयान कीता है, फलाना वाकया इन्ने साल कबल मसीह पेश आया, यानी हजरत ईसा दी विलादत तो इन्ने साल पहले पेश आया। फिर सैयदना हजरत ईसा अलैहि सलातो वसलाम दी विलादत होई, फिर मुहर्रखीन ने इंज कहना शुरू कर दिता, हजरत ईसा दी विलादत तो इन्ने साल बाद फलाना वाकया पेश आया। हद तक अरब दे अंदर एक और वाकया पेश आया जिन्हों वाकया फील किया जाता है, आमुल फील नाम मशहूर हो गया। जदों अबरा काफर खाना है काबा नूं गिराण वास्ते हाथियां दी बड़ी वड्डी फौज लैके आया, अल्लाह पाक नूं तबाह बर्बाद कर दिता। उस वाके दा नाम वाकया फील है, ते जिस साल अंदर वो पेश आया उस साल दा नाम आमुल फील है। फिर मुर्रखीन लिखन लग पे फलाना वाकया आमुल फील तो इन्ने साल बाद अंदर पेश आया। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत हो गई, फिर मुर्रखीन ने लिखना शुरू कर दिता फलाना वाकया अल्लाह दे पैगंबर दी विलादत तो इन्ने साल बाद पेश आया। फिर नबी पाक ने नबुवत दा ऐलान कर दिता, फिर मुर्रखीन ने नबुवत नूं बयान करना शुरू कर दिता फलाना वाकया नबुवत तो इन्ने साल बाद अंदर पेश आया। फिर नबी पाक हिजरत करके मक्क्यों मदीने आ गए, मुर्रखीन ने फिर हिजरत नूं सन बनाया और इंज कहना शुरू कर दिता फलाना वाकया हिजरत तो इन्ने साल बाद अंदर पेश आया। हज़राते दी वकार नबी पाक सलातो सलाम दे हिजरत करन तो बाद बाकायदा हिजरत दा सन बनया, सन हिजरी फलानी हिजरी, हिजरी दा इन्ना साल, हिजरी दा इन्ना साल। हत्ता के चलदियां चलदियां सैयदना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला दा दौर आया, इस्लामी रियासत वसी हो गई, दूर दूर तक इस्लाम दा नाम पहुंचया। मदीने दे अंदरों हजरत उमर खत लिख दे, हुक्म जारी कर दे, ओ हुक्म कईआं दिनां तो बाद रियासत दे परले इलाके अंदर पहुंचदा, गवर्नर उहनूं खोलदा, उहनूं पता ना लगदा ये किन्ने दिन पहले खत लिखिया गया है,
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੈਦ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਮੂਸਾ ਅਸ਼ਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ ਆਦਰ ਹੋਏ। ਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਜੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਨ ਵੀ ਦਿਨ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਕਰਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਬਾਰ ਸਾਹਾਬਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਤਰੀਨ ਅਤੇ ਕਿਬਾਰ ਸਾਹਾਬਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਦ ਸਾਹਾਬਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਲਾਦਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਲਾਂ ਗੱਲ ਵਿਲਾਦਤ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਕਿਆ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਤੋਂ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਦ ਸ਼ਖਸੀ ਆਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਸੈਦ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖੱਤਾਬ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ ਹਿਜਰੀ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ ਹਿਜਰੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਆਇਆ, ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜ਼ੁਲਹਜ ਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਵਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਬਾਨ ਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੈਦ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਨ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪੈ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਰਬੀ ਸਾਲ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਮੁਹਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਦ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸੈਦ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਮੁਹਰਮ ਤੈ ਪਾਇਆ। ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਰ ਰਿਆਸਤ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਗਵਰਨਰ, ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ ਹਿਜਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮੀ ਸਾਲ ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਵਕਾਰ 7 ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਏ ਔਰ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਅੱਜ 1445 ਹਿਜਰੀ ਏ, ਯਾਨੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਮੱਕਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ 1445 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਆਜ 1445 ਹਿਜਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਆਜ 7 ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਯਾਦ, ਔਰ ਇਸਲਾਮੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ये जो महीने हैं इन्हें ईसवी महीने कहा जाता है। ये ईसवी सन है और एक कबरी सन है, एक शमसी सन है। शमसी ईसवी कहते ने हजरत ईसा की विलादत तो चलते हुए साल, और इस ईसवी का आगाज इस दिन का यानी सन्ने ईसवी का आगाज रात 12 बजे तो दिन शुरू होता है, दिन 12 बजे दिन मुकदा है। ये दिन उदो शुरू होता है जो रात पई होती है, तो यदि रात उदो मुकदी है जो दिन चढ़िया होता है। ये है ईसवी शमसी। शमसी का तालक है सूरज नाल, जिन्हों आप देसी महीने बोलने हैं। सूरज जदों डुबदा है, जदों सूरज चढ़दा है उदों दिन शुरू होंदा है, सूरज गुरूब होंदा है उदों दिन मुकदा है। ये है शमसी। ते कमरी इस्लामी उदा तरीका है जदों सूरज डुबदा है उदों दिन शुरू होंदा है। हम जब ईद करते हैं तो ईद का चांद देखते हैं, और जब ईद का चांद नजर आता है तो फौरन शवाल शुरू हो जाता है, रमजान खत्म हो जाता है। इस्लामी साल का दिन पहले नहीं आता, इस्लामी साल की रात पहले आती है। तो जो साढ़े को घड़ी हो तो सानू पता लगना टाइम की है, और शमसी 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 साल का पता लवाना और दिन का वक्त का पता लवाना एडा मुश्किल काम है कि माहिर फलकियात तो इलावा को कर नहीं सकता। ते घड़ी तो बगैर अंग्रेजी तारीख ते अंग्रेजी महीने का पता नहीं लग सकता। और इस्लामी साल एडा जबरदस्त है, इस्लामी महीना एडा जबरदस्त है, इस्लामी वक्त एडा जबरदस्त है। किसी को घड़ी होवे भावें ना होवे, माहिर फलकियात होवे भावें ना होवे, आना पढ़िया होवे भावें ना पढ़िया होवे, आसमान वल नजर पाएगा, चन्न नूं वेख के उन्हूं पता लग जाएगा कि महीने का पहला हिस्सा चलता पिया या दरमियानी चलता पिया या एंड वाला चलता। जिहड़ा सब तो सौखा तरीका है वह छड्डी बैठे हाँ, जिहड़ा सब तो औखा वह फड़ी बैठे हाँ। बिजली तो पाकिस्तान च जाना रूटीन की गल, रात दे 2:30-3 बजे बिजली गई होवे जिन्नी देर तक घड़ी नहीं लभनी उन्नी देर तक पता ही नहीं लगना भी असीं कित्थे पे फिरने। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना गदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। आओ इस्लाम, इस्लाम फितरत है ना, अल्लाह पाक ने इस्लाम नु इंसान दी फितरत दे मुताबिक बनाया है। असी फितरत छाड़ के उखे कम्मा वल जाने। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना गदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चन्न दी अहमियत इतनी बयान फरमाई, मेरे आका फरमांदे ने आसमान ते जदों पहला चन्न चढ़े ना किसे भी महीने दा पहला चन्न आवे उन्हूं वेखिया करो, उन्हूं वेख के दुआ पढ़िया करो, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बू कल्ला। अल्लाह सुनिया ऐ जड़े महीने दा साढ़े सिरां ते आगाज हुंदा पिया है, अल्लाह इस महीने नूं साढ़े लई अमन वाला महीना बना दे, अल्लाह सलामती वाला महीना बना दे, रब्बी व रब्बू कल्ला। ओए नजर आण वालिया चन्ना जेड़ा तेरा रब्बे ओई साडा रब्बे, तू उच्चाएं असी नीवियां बेशक तू साढ़े तो उच्चाए लेकिन साडा तेरा रिश्ता फिर भी जुड़िया होया है। और रिश्ता है ये जिस रब दा तू जनाब ताबेदार है उस रब दे असी ताबेदार हाँ। हज़रात दी वकार लम्हाए फिक्री आए ना सानू दुआवां याद रह गईयां, ना सानू चन्न वेखना याद रह गया, ताई ते रोईते हलाल कमेटी दे मगरां दिल करे ईद कड़ा देन, दिल करे रात दे 12 बजे चन्न चाड़ देन, दिल करे ते ईद ना करान। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, आओ लौटो वापस इस्लामी साल वाल। और अगर मेरी बात ते तुहानू यकीन नहीं आंदा, एक वक्त आण वाला है जदों पूरी दुनिया दा निजाम अंग्रेजी महीनियां ते नहीं चलना, देसी महीनियां ते नहीं चलना,
आन करीब नदाम सारा मुक जाना है, ये नदाम दोबारा फिर कमरी महीनिया ते आ जाना है। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा इस वास्ते आओ खदरा ते दी वकार अपने निके निके बच्चियां नो सलामी महीने याद करवाओ अपनी जिंदगी दी रूटीन अंदर जिमें जनाब अगस्त दी 7 अगस्त दी 15 जनवरी दी 20 याद करांदे हो 2018-19-20-22-23 याद करवांदे हो एवें अपने बच्चियां नूं इस्लामी महीने दियां तरीकां भी याद करवाया कर। मेरा पुत्र अज सफर दी 7 तरीक बनदी पई है, अज 1400 जिहड़ा साल चलदा पिया है 1445 हिजरी चलदा पिया है। अल्लाह दे बंदो हिजरी साडा साल है, असी अपना भुली बैठे हाँ, यहूदियां ते ईसाइयां दे सालां दे मगर चलदे फिरने हाँ। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा तवज्जो करना खदरा, बाद बंदे एतराज करदे ने लो जी अगर कमरी तारीखां दे मगर लगीए फिर ते बड़ा रौला बन जांदा है ना। लैलतुल कदर ही कोई है लेकिन उत्थे मक्के अंदर लैलतुल कदर एक दिन पहले आई होंगी है, इत्थे लैलतुल कदर एक दिन बाद अंदर आई होंगी है। वो यौमुन नहर थी कोई देने वो एक दिन उत्थे पहले आया होंदा है, इत्थे बाद अंदर आया होंदा है, ये भी कोई इतराज तो इतराज है। हजरत जी वकार सलंदर गल लेवे हर जगह और हर मुल्क दा अपने अपने चन दे मुताबिक हिसाब है ना। उत्थे चन जदों नजर आया उदों ईदे, इत्थे चन जदों नजर आया उदों ईदे। इंज नहीं समझ आंदी तिंज समझ लो, फजर दियां किन्नियां को आदा नमाजां ने, फजर दी इक्को ही नमाज है ना, लेकिन आपां इत्थे पढ़ लैने आं। कईआं मुल्कां दे विच हजे फजर हो ही नहीं हुंदी, फिर उहदा की करना है, आपां जोर पढ़ लैने आं, जोर दी नमाज ते इक्को ही है। आपां हुण जुम्मा पे पढ़ने आं, अमेरिका दे अंदर हजी इस टाइम लंदन दे अंदर ते रात खुलदी पई है, हजे उत्थे दिन हुंदा पिया है, 5-6 घंटे दा फर्क है। हज़रत दी वकार इहदा कोई ताल्लुक नहीं, ये जिन्ने इतराज कीता गलत कीता है, एवें सिर्फ इस्लामी महीनियां नूं बदनाम करन वास्ते कीता है। आओ कमरी महीनियां वल, आओ कमरी साल वल, आओ हिजरी सन वल। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा तवज्जो करना हज़रत दी वकार गौर कर दे जाना। आओ मैं तुहानू तारफ करवावा, अल्लाह पाक फरमांदे ने इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाह इसना आशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलक समावाती वाला अर्द मिनहा अरबातुन हुरम ज़ालिक दीनुल क़य्यम। फरमाया कायनात दे लोगो अल्लाह पाक ने जदो तो जमीन आसमान बनाया, अल्लाह ने उदो तो महीने जनाब 12 बनाए ने। इस्लामी महीना पहला किड़ा है, इस्लाम दे पहले महीने दा नाम मुहर्रम है, इस्लाम दे पहले महीने दा नाम मुहर्रम है। अल्लाह अल्लाह इत्थे जनाब जनवरी नूं खुशियां पईयां मनाईयां जांदियां ने, इत्थे जनाब नवें साल दियां मुबारकां जनवरी नूं दित्तियां जांदियां ने, ते जनाब पां पां ते पूं पूं कीती जांदी है, बत्तियां लाईयां जांदियां ने। ओए इस्लाम पता नहीं असीं बंदे किवें दे आ, दीन साडा कोई होर है ते कल्चर साडा कोई होर है ते कपड़ियां दा अंदाज़ साडा कोई होर है। अल्लाह जाणदा कौम कादी है, लंडा ही बणिया पिया, लंडा ही बणिया पिया, पता ही कोई नहीं किधरों कहन कोई नहीं कोई 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 एक शहर ते तराओ यार। मैं आपको मुल्क दिखाता हूं जो तरक्की की औजे सुरैया पर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ना तहजीब छोड़ी ना अपना तमद्दुन छोड़ा ना कल्चर छोड़ा। अरबी किन्ने मालदार ने, किन्ने पैसे वाले ने, सारा कुछ अपना लिबास ओही उन्होंने चोगा रखा है, ओही तोप अपना लिबास है। साढ़े माड़े जे पैसे तां हुंदे जाण ते पतलून पा लैंदा, फौरन अंग्रेज बनने की कोशिश करता, राती सुत्या पे मुंह खुला हुंदा ते आप अमरीका फिरदा हुंदा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दराबते जीवकार गौर कर दे जाना दरा। मैं जिन्ना बातां दा जिक्र पिया करना दरा मुहब्बत नाल
प्यार नल सुन दे चले जाना। हदराबते जी वकार पहले महीने दा नाम मुहर्रम है। इस्लामी साल साडा मुहर्रम तो शुरू हुंदा है। हर मुहर्रम उन्हां चार महीनियां विचों है जिन्हां महीनियां नूं अल्लाह ने हुरमत वाला आख्या है। महीने सारी इदला पाक दी महरहमत ने, लेकिन इन्हां विचों चार महीनियां नूं अल्लाह ने फौकियत दित्ती है, हुरमत वाले बनाया है। उन्हां विचों जनाब एक महीना मुहर्रम दा है। अल्लाह अल्लाह मुहर्रम दा माना की है? मुहर्रम दा माना ही हुरमत वाला है। मुहर्रम दा माना ही हुरमत वाला है। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा, अरब लोग भी इहदी तज़ीम करिया करदे सन। इस महीने दी कदर काफर लोग भी करिया करदे सन। इस महीने दा इतराम गैर मुसलम लोग भी करिया करदे सन। वह भी इस महीने दी इज्जत करिया करदे सन। आपस अंदर अगर जंगा होंदियां पईयां होंदियां, लड़ाइयां शुरू होंदियां, इधर एक कबीला है इधर एक कबीला है, आपस अंदर लड़ी जांदे ने, धौणा लाई जांदे ने। इधरों हुरमत वाले महीने दा चन चढ़ गया, मुहर्रम दा चन चढ़ गया है। वो लड़ाई बंद कर दिया कर दे सन, लड़ाइयां खत्म कर दिया कर दे सन। कहिंदे सन भाई हुरमत वाला महीना आ गया है, लिहाजा लड़ाई बंद है। हत्ता के ए जमात ए दुश्मना वाली जड़ी जमात है ना, वो इन्हां कोल आ जाया कर दी। इन्हां दे बंदे उन्हां कोल चले जाया कर दे। इन्हां दे बंदे उन्हां दे बाजारां विच खरीदो फरोखत कर दे। उन्हां दे बंदे इन्हां दे बाजारां विच खरीदो फरोखत कर दे। जेड़े आमने सामने तलवारां लैके लड़दे सन हुरमत दे महीने दे अंदर, एक दूसरे दे शहरां विच भी जांदे, कोई किसे ते ना हाथ चुकदा ना हथियार उठांदा। क्यों? हुरमत वाला महीना आ गया है। इन्नी कदर करदे सन हुरमत वाले महीने दी। असी ते दब्बी आउने आ ना, हुरम होवे सफर होवे चोरी डकैती लुट मार कतलो गारत लड़ाई झगड़ा जायज सब कुछ हलाल है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, वो नहीं ऐसे करते थे। एहतराम काफर थे, कलमा भी नहीं पढ़ते थे। नबी पाक दी नबूवत वो नहीं बल्कि ऐलान नबूवत तो पहले दियां गल्लां, अभी इस्लाम इस्लाम तो शुरू से थे, लेकिन अल्लाह के पैगंबर ने अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया था, तब भी वो इन महीनों का एहतराम किया करते थे। वो काफर होके करते सन, असी मुसलमान होके छक्के चौके लाई जाने ते कहने मैं जन्नत की फ्रंट सीट ते जाना है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो कर। हाँ एक बेईमानी करते सन, एक बेईमानी करते सन, लड़ाई बहुती हो जानी ना ते कहना मुहर्रम चढ़ गया, ओ चलो यार इनू आपां सफर समझ लेने आ ते सफर नू मुहर्रम समझ लवा। इंज दी ओ विच ना डंडी मारदे सन, अपनी मर्जी नाल महीनियां दे नां बदल के कहना यह मुहर्रम नहीं यार, इनू आपां सारे सफर मानने आ, लड़ी लुड़ी जाने आ ते सफर नू मुहर्रम मान, इंज कर लैंदे ऐ डंडी ओ मारदे सन। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, गदराब तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। मुहर्रम हुरमत वाला इज्जत वाला महीना। हदीस पाक अंदर आंदा है, नबी पाक ने फरमाया, आका फरमाते ने शाहरुल्लाहिल मुहर्रम, मुहर्रम अल्लाह दा महीना है। शाहरुल्लाहिल मुहर्रम, मुहर्रम अल्लाह दा महीना है। ये थोड़ी निस्बत है, अल्लाह पाक ने एक महीने नूं अपना महीना आखिया है। अब्दुल्ला है अल्लाह दा बंदा है, नाकतुल्ला है अल्लाह दी ऊंटनी है, आमतुल्ला है अल्लाह दी लौंडी है, बैतुल्ला है अल्लाह दा घर है, किताबुल्लाह है अल्लाह दी किताब है, रसूलुल्लाह है अल्लाह दा रसूल है। मुहर्रम शहरुल्लाह है अल्लाह दा महीना है। अपने वाल अल्लाह पाक ने दी निस्बत की, फरमाया मुहर्रम मेरा महीना है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, ये जमदर नबी पाक को रोजियां दे तमाम करया कर दे, खास रोजे रखिया कर दे। और यौमे आशूरा दा रोजा यानी दस मुहर्रम दा रोजा, मेरे पैगंबर सलातोसलाम दे मदीने आन तो पहला यहूदी भी रोजा रखिया कर दे सन। दस मुहर्रम दा रोजा यहूदी भी रखिया कर दे सन। उन्हां को पुछिया गया
यहूदियो तुसी रोजा कातों रख दे जे गल जरा सुनिया जे यहूदियो तुसी कातों रोजा रख दे जे ओ कहंदे ने अल्लाह पाक ने सैयदना हज़रत मूसा अलैहि सलातु वसलाम ते साडी अबाउ अजदाद बनी इसराइल नो फिरौन तो आजादी अता कीती असी आजादी दा जशन मनाने आ और रोजा रख के मनाने आ ओए मुंह ते कुछ है बड़ी जर रल मिल के यहूदी आजादी दा जशन और रोजा रख के मनांदा ए तू आजादी दा जशन पा करके मनाना है वह काली जी शह लभी है तो सारे मुंह से मड़िए रल मिले वह यहूदी होके आजादी का जशन रोजा रख के मना दे यहूदी तेरे नदी काफर तू पक्का जनती ते ईद मिलाद उन नबी ते जनाब ए जशन आजादी ते पा पा प्या कर दे खरे केड़िया केड़िया वाजा प्या कर दे हाय 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 नबी पाक सलातो सलाम अल्लाह जानदा मैं तो ना कदी कदी फितने तो डरना ते जबान बंद कर लेना मैं तो लगता आप कौम ही नहीं है पता नहीं की शायद वो इंसानियत ही नहीं पहले आजाद तो हो लो केड़ा बंदा ताडे चो आजाद है जमदा बच्चा भी 5 लाख का मकरूज हुंदा है जशन मना दे जे अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदराब दिजी वकार गौर कर दे जाना जेनी गुलाम आ मैं ते क्या करना है पूरी कौम ही गुलाम कई जनाब नून लीग दे गुलाम को थोड़े जा थले आ जाओ पी टी आई दे गुलाम उस थले आ जाओ पी 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 दे गुलाम उस थले आ जाओ ते ना की उन्होंने कहते ने पीरां दे गुलाम पीरां तो थले आ जाओ रही कुंदी कौम बुढ़िया दी गुलाम सारी कौम ही गुलाम कोई विच आजाद है ही नहीं आजादी का दी किस चीज की आजादी मनाते हो ओनू आजादियां नहीं फपदियां जड़ा अपने वर्गे दे जाके पैर चुमे ओनू आजादियां नहीं फपदियां जड़ा टालियां दे अगे सजदे करे ओनू आजादियां नहीं फपदियां जिहदे घर विच जम्मण वाला बच्चा भी 5-6 लाख का मकरूज होवे कादियां आजादियां अपनी मर्जी नाल तुसीं करते कुछ नहीं सकते एक यूनिट वध करके विखाओ तुहानू लग सुर ना जावे ते फिर आके आजाद अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हम गुलाम हैं अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना गदराब तेजी वकार गौर करना यहूदियां नू अल्लाह पाक ने आजादी दिती फिरौन तो आजादी दा जशन रोजा रख के मनाया मेरे पैगंबर इज्जत करके मक्के आए मक्का फतह हो गया अल्लाह पाक ने मक्के नू आजादी दे दिती मेरे नबी ते मेरे नबी दे यारा ने आजादी दा जशन मनाया किवें भला सजदे कर करके अल्लाह अगे रो रो के सजदा शुक्र इन्ने कीते इन्ना रब अगे मेरे नबी ते मेरे नबी दे यार रोए ने मेरे पैगंबर दी आजादी दी खुशी वेख के 2000 काफरां कलमा पढ़ लिया है 2000 मक्के दे काफर मेरे पैगंबर दी आजादी दी खुशी वेख के मुसलमान होए मुसलमानों और बैसरियां बजान वाले अतियादियां जवान भैणां दे गल्लां दे उत्ते पाकिस्तानी झंडे बना के बेहयाओ बगैर तो बदारत फिरन वाले हो दयूसो कमीने हो तुसी कादी आजाद जे तुम्हें पता ही नहीं आजादी का माना क्या होता है झूठ बोलते हो तुम 2000 बंदा कलमा पढ़ के मुसलमान पे आंदा डुब के नहीं मरदे साडा नबी साडे नबी दी आजादी वेख के लोकां कलमा पढ़ लिया साडी आजादी वेख के काफिर कहंदे ने तौबा तौबा ये मुसलमान अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदराब तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा मैं लेकिन इन सारी बातों के बावजूद इंशाअल्लाह हम नाउम्मीद नहीं हैं तवक्कल तू अल्लाह हमें अपने मालिक पर पूरा तवक्कुल और भरोसा है सब गुरेदा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से आएगा बहुत जल्द वक्त आएगा दुनिया देखेगी इस्लाम वाले कुरान वाले सुन्नत वाले सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं
पूरी दुनिया पे हुकूमत करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। बस कौम थोड़ी जी सिद्धि हो जाए तो फिर गल, इन्हां नूं समझ आ जाए भी असी वोट किनू देना है। असी तो वोट पाण लग्या सोच रहे हैं, मैं ठगी कड्डा, मैं वच्छी कड्डा, मैं कुड़ी कड्डा, मेरा एम पी ए मगर खलोता है, बस मैं उन्हें वोट देना। हम ये सोच कर वोट देते हैं। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। मैं जिन्ना बातां दा जिक्र पिया करना दरा मुहब्बत नाल प्यार नाल हजरात दी वकार मुहर्रमुल हराम दे अंदर यौमे आशूरा दा रोजा नबी पाक अलैहि सलातो सलाम और जनाब मेरे नबी भी रखन लग पे। मेरे आका फरमांदे ने अज तो बाद मैं भी रोजा रखिया करांगा, मेरा तुहाडे नालों बहुता तालक है जनाब मूसा पैगंबर नाल। फिर फरमाया मैं नाल यहूदियां दी मुखालफत भी करांगा, तुसी दस दा रखदे हो मैं नौ दा ते दस दा दोवां दा रखिया करांगा। पर मेरे पैगंबर ने फरमाया मैं अल्लाह पाक दी जात तो उम्मीद करना वा जिहड़ा बंदा यौमे अशूरा दा रोजा रखेगा अल्लाह पाक पिछले एक साल दो दे गुनाहां नूं माफ कर छड़ेगा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, ये है मुहर्रम हुरमत वाला महीना। अगला महीना केड़ा है? मुहर्रम तो बाद आंदा सफर। सफर दा माना हुंदा खाली, जिवें आपां सिफर कह देना सिफर, सिफर ही सफर है। सफर दा माना हुंदा खाली। अल्लाह 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 अरब दे जड़े लोग सन इस महीने दे अंदर बाहर निकल जांदे कारोबार दे सिलसिले दे अंदर, तिजारत दे सिलसिले दे अंदर, जरिया मुआश वास्ते कोई किस इलाके वल गया, कोई किस मुल्क वल गया, घर वेले हो जांदे, कमरे वेले हो जांदे, बैठक खाली हो जांदियां, डेरे वेले हो जांदे। जदों घर वेले होण लग पै, खाली होण लग पै, फिर उन्होंने इस महीने का नाम सफर रख दिता, वो महीना जिहदे विच घर खाली हो जांदे ने, इस वास्ते का नाम सफर है। अज सफर दी आज 7 तारीख चलती पई है। हजराते दी वकार सफर नू लैके बड़ियां बड़ियां गल्लां साडे ज़हन अंदर पाईयां गईयां ने। आखिर सफर मनहूस हुंदा है, सफर दा महीना मनहूस हुंदा है। अल्लाह 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 इहदे विच ब्याह नहीं करना चाहीदा, इहदे विच शादियां नहीं करनियां चाहीदियां, इहदे विच कोई मकान नहीं तमीर करना चाहीदा, इहदे अंदर फलाना काम भी नहीं करना चाहीदा। नबी पाक ने फरमाया ला अदवा, कोई बीमारी मुतद्दी नहीं हुंदी, और फरमाया वला हामता, उल्लू जड़ा जानवर है मनहूस नहीं हुंदा, वला सफारा, और सफर दा महीना भी मनहूस नहीं हुंदा। मनहूस असी महीनियां नूं बनाई जाने आ, नमाज तू नहीं पढ़दा मनहूस सफर है, रोजा तू नहीं रखदा मनहूस सफर है, कुरान तू नहीं पढ़दा मनहूस सफर है, रब दे पैगंबर दी गल तू नहीं मनदा मनहूस सफर है। मनहूस सफर नहीं, मनहूस तू आप है। काली बिल्ली मनहूस है, उल्लू मनहूस है, कम मारदे चंगे कोई नहीं, मनहूस अगलिया नू कहना। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हलीम रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें गल सुनाई भी बादशाह निकलिया शिकार करन सुबह सुबह, ते को माड़ा बंदा गरीब टक्कर गया। उन्हें आखा बादशाह ते अगे वध के सलाम किया, सू कहन लगा जा मनहूसा कितों मथे लग गया, तू मथे लग गया हूँ शिकार ही नहीं होना, इन्हें फड़ के ना कैद कर दे, उन्हें फड़ के बनता ये शाम तक इन बनिया रहन देना है, जे शिकार ना आया तो मैं आन के बड़ा मारना है, मनहूस है दी वजह तू अज शिकार। बादशाह चला गया तो शिकार अगे नालों बहुता होया, वापस आके कहिंदा है छड़ दो यार ये तो मनहूस कोई नहीं, शिकार तो बड़ा है। वो कहन लगा जी जे तो 2 मिनट इजाजत हो तो मैं बादशाह सलामत ने गल करना जी करो। बादशाह तो ना जी बादशाह सलामत मैंने क्यों बनया, उन्हें आप सुबह सुबह तू मिथे लगे तो मैं समझा भी तू मनहूस होएगा तो शिकार ही नहीं होना, कोई काम ही चजदा नहीं होना, तो शिकार तो बड़ा है भाई तू मनहूस नहीं। उन्हें आख्या जी मैंने एक गल तो दसो, सुबह मैं थोड़े मथे लगा तो तुम मेरे मथे लगे, तू शिकार वाधू होया तो मैनू तो मेरे बालों की रोटी भी ना लभी, मेरे वास्ते तेरे तो व्डा मनहूस ही कोई नहीं,
मेरे नजदीक तो तू सब तो वड्डा मनहूस है, भी मेरा सारा दिन जेल च गुजरे है। हैं अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा कदराते दी वकार झूठियां गल्लां बिलियां मनहूस नहीं मनहूस बेनमाज हुंदा है उल्लू मनहूस नहीं मनहूस बदबख्त हुंदा है जिहड़ा सुबह उठ के नबी पाक दी सुन्नत दा कतल करदा है ओ लोगो महीना मनहूस नहीं हुंदा मनहूस बदबख्त हुंदा है जिहड़ा गैला दे नाम ते नदरा नियादा ते बकरे ते छतरे पिया दिंदा है करोड़ां रुपया गैला दे नाम ते पिया लगांदा है लिहाजा सफर नू मनहूस ना समझिया करो ये अल्लाह पाक दे बनाए हुए महीने ने हज़रात दी वकार सफर तो अगला महीना केड़ा है अल्लाह अल्लाह सफर तो अगले महीने दा नाम है रबीउल अव्वल रबी माना बहार हुंदा है रबीउल अव्वल पहली बहार है इस महीने दे अंदर बहार आ जांदी मौसम खुल जांदा और जनाब जड़े दरख्त ते पौधे ने ना उन्हां ते सरसब्ज़ शादा भी छा जांदे इस वास्ते दा नाम बार रबी रखिया गया रबी का एक माना एकामत भी होता है रुकना भी होता है सफर अंदर अरब चले जांदे रबी महीने अंदर वापस आके घरां च ठहर जांदे उन्हां दे ठहरन दी वजह तो रबी लफ्ज़ बोलिया गया अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा रबीउल अव्वल दा महीना हज़रात दी वकार मेरे पैगंबर दी विलादत बा सआदत माँ इख्तलाफ इस महीने अंदर होइए मेरे नबी दी वफात भी इस महीने अंदर होइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर सोमवार दा रोज़ा रखिया कर दे पुछिया गया महबूबा रोजा क्यों रख दे जे फरमाया बुइस्तु फीही अल्लाह पाक ने मैनू इस महीने अंदर नबी बनाया है वबुलितु फीही इस महीने अंदर अल्लाह पाक ने मैनू पैदा फरमाया है वउन्ज़िला अलैया फीही आसमान तो पहली वही भी मेरे उत्ते इस महीने अंदर इस दिन आई है यानी सोमवार वाले दिन और एक बात भी याद रखिए आगे रबीउल अव्वल के साल में जिक्र करेंगे मैं इशारा तन जिक्र करने मां नबी पाक दी विलादत दा दिन कनफरा में संवार दा दिन आपने खुद अपनी जुबान च इरशाद फरमा दिता अलबत्ता आप दी विलादत दे महीने दे अंदर इख्तलाफ है ज्यादातर मुफस्सरीन दा और मुहद्दिसीन दा ही कौल है रबीउल अव्वल दे महीने दे अंदर आप दी विलादत बा सआदत होई है लेकिन अथेंटिक बात नहीं ई जंदर भी उलमा दा पसंद इख्तलाफ तारीखी एतबार नाल अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा बहरहाल नबी पाक दी विलादत दा दिन भी लब गया ते नबी पाक दी विलादत दे दिन दी खुशी दा तरीका भी लब गया विलादत दा दिन सोमवार दा है खुशी दा तरीका रोजा रखने अल्लाह तौफीक देवे काम बड़ा औखा है तुद दियां सबीलां किथे रोजा रखण दे दियां मिठा पानी देख के बंदा ते खीरा किथे दिल कर दे लेकिन सुन्नत तो यही है भाई सुन्नत तो यही है आला जानदा दस मुहर्रम राम ने बड़े लम्बे लम्बे सफर किए ने बंदियां रोकिया गड्डियां रोकिया ने साड़ी पानी पानी वह कादा पानी आज तो रोजा रखिया नबी पाक ने रोजे का हुक्म दिता है हम तो रोजा रखते हैं ताकि दुनिया को पता चले हुसैन भी प्यासा है हुसैनी भी प्यासा है अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जामा तवज्जो करना हज़रात दी वकार रबीउल अव्वल अगे आ गया रबी उसानी माना होइए अगे सानी दा लफ्ज़ अलग है यानी बहार का दूसरा महीना अगे आ गया जमादा उला या जमादीउल अव्वल अल्लाह अल्लाह जामद किसे जामद कहिंदे ने किसे जम जाण वाली चीज़ नूं सर्दी दी वजह तो पानी जम जांदा पानी रुक जांदा इस वजह करके इस महीने दा नाम जमादी लवर रखिया गया या जमादा उलाए दा नाम रखिया गया अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा अगे आ गया जमादी उसानी माना होइए अगे लफ्ज़ सानी लग्या होया है हज़रात दी वकार अगे महीना आ गया रजब दा अल्लाह 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 रजब दा महीना में हज़रात दी वकार हुरमत वाला महीना है अल्लाह पाक नू हुरमत वाला करार दिता है
फरमाया मिनहा अरबातुन हुरम ज़ालिका दीनुल कय्यम, अल्लाह पाक ने चार महीने हुरमत वाले बनाए ने, जिन्हां विचों पहला मुहर्रम दा है, अगे जाके दूजा रजब दा महीना है, ये भी हुरमत वाला महीना है। हुरमत दा माना की है, इन्हां दे विच ज़ुल्म करना जायज नहीं। फला तज़लिमो फीना अनफुज़कुम, इन्हां महीनियां दे अंदर ना किसे ते ज़ुल्म करना है, ना अपने आप ते करना है, ना किसे नू मारना है, ना अपने आप नू मारना है, ना किसे नू कुटना है, ना अपने आप नू कुटना है। तानू घर जाके समझ आएगी मैं की आख्या है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, इन्हां महीनियां दे अंदर ज़ुल्म जायज नहीं, मारना जायज नहीं, वैसे ते किसे महीने अंदर भी जायज नहीं। लेकिन अगर इस्लाम ते कुफर दी लड़ाई भी हुंदी पई होवे ना, उहदी रोक लैणी चाहीदी है ना, कोशिश करनी चाहीदी उह भी रुक जाए, ये महीने अमन नाल गुजारे जाण। हाँ, अगर काफर नहीं रुकदा, अगर काफर जान बुझ के तुहाडे ते हमला करदा है, फिर ठीक है, फिर इन्हां महीनियां दे अंदर वे जंगो जदल दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा, रजब तरजीह से है, इसका माना है ताजीम है, तकरीम है, ताजीम वाला महीना, तकरीम वाला महीना, इज्जत वाला महीना। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा, चंद एक विधि अबदात विदात रजब नाल जुड़िया हुई ने, रजब नाल चंद एक विदात जुड़िया हुई, उन्हां दा कोई ताल्लुक नहीं इस्लाम नाल। अगर रजब दे महीने अंदर मैनूं याद कराया जे उदों जिक्र करांगे, हुण ते मैं तुहानूं सिर्फ महीनियां दी डिटेल बयान करदा पिया, ताकि तुहाडे दिलां दे अंदर इज्जत वध जाए महीनियां दी इस्लाम दी। हज़रात दी बकार, अगे किहड़ा महीना आ गया है, अगे जनाब शाबान आ गया है। शाबान, शाबान का माना होता है टुकड़े टुकड़े होना, शाबान का माना हिस्से हिस्से होना, शाबान का माना जुदा जुदा होना। इस महीने दी अंदर अरब लोग फिर काफले बन बन के मुख्तलिफ इलाकियां विच निकल जांदे, काफले रवाना कर दे इस महीने दे अंदर। ऐ काफला तिजारत लई शाम जा रहा है, ऐ काफला तिजारत लई फारस जा रहा है, सारे टोले बन के, ग्रोह बन के, ते काफले बन के, टुकड़े टुकड़े बन के, ते मुख्तलिफ इलाकियां वल जांदे। इस वास्ते इस महीने दा नाम शाबान पै गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम शाबान अंदर बड़े रोजे रखिया करदे सन, ज्यादा रोजे मेरे पैगंबर शाबान अंदर रखिया करदे, हत्ता कि बिल्कुल आखिरी दिना अंदर आके नबी पाक रोजा रखना छोड़ देंदे, क्योंकि अगे रमजान आंदा पिया है। जिहड़ी इह गल मशहूर है ना, शाबान दे एंड वाले दिना दे अंदर सलामी रोजे रखने ने, ये मेरे नबी दी ना फरमानी है। अल्लाह दे नबी ने सख्ती नाल मना फरमाया है, फरमाया रमजान तो एक दो दिन पहले रोजा नहीं रखना चाहिदा। मैनू ते समझ नहीं आंदी, असी नेकी भी ओ लभ के करने हां जिहदे विच नबी पाक दी मुखालफत होवे, गंढ बनी हुई है, हर काम अंदर कमली वाले दी मुखालफत करनी है, शर्त बनी हुई है, हर काम अंदर अल्लाह दे नबी दी मुखालफत करनी है। अल्लाह दे बंदो, सलामी रोजे दी कोई हैसियत नहीं, सलामी रोजे तो मना फरमाया नबी पाक ने, नहीं रखना चाहिदा। हज़रात दी बकार, शाबान गया, अगे रमजान आ गया। रमज गर्मी नूं कहिंदे ने, गर्मी वाला महीना, इहदे अंदर चूके गर्मी ज्यादा हो जांदी, इस वास्ते दा नाम रमजान पै गया। इस्लाम अंदर इहदी बड़ी अहमियत है, इन्नी अहमियत है कि जनाब चंद मिनटां दे अंदर बयान नहीं हो सकदे, इहदे वास्ते पूरा एक जुमा चाहीदा है। इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदा रखिया, फिर रमजान दे नेड़े जा के फिर इहदा जिक्र हो जाएगा। हज़रात दी वकार, इहदे अंदर बड़ियां बड़ियां इबादतां करन वालियां ने। सब तो बड़ी बात है वे, ये जंदर रोजे रखे जाते हैं, ये बहार का महीना है, ये नेकियां का मौसम है, बहार है। हज़रात दी वकार, रमजान तो बाद अगे आ गया शव्वाल। शव्वाल कहिंदे ने किसी चीज़ का उबरना,
किसी चीज का उठना। यह जंदर अरब दे ऊंट मस्त हो जाते ने, अरब दे ऊंट मस्त हो जाते ने और मस्ती अंदर आके उछलते ने कूदते ने। ता करके इस महीने का नाम हजरत ज़ीबकार शव्वाल रख दिता गया। शव्वाल दे रोजियां दा मेरे नबी ने हुक्म दिता है। शव्वाल दी फजीलत भी है, ये जंदर ईद उल फितर भी आंदी है। ईद उल फितर वाला महीना है, अल्लाह पाक दी तरफों ईद दी सानू खुशी इस महीने अंदर अता की गई है। बड़ी बरकत वाला, बड़ी शान वाला महीना और बड़े मुकाम वाला महीना। अल्लाह दे नबी ने इस महीने दे अंदर एक उमरा भी फरमाया है। उमरा भी इस महीने अंदर कीता जा सकता है। ये मेरे नबी दी सुन्नत, मेरे नबी दा तरीका है। हजरत ज़ीबकार शव्वाल तो अगे आ गया ज़िलकादा। कादा का माना होता है बैठना, बैठने वाला महीना। ये जंदर फिर अरब लोग वापस आ जाते, अपने अपने घर आके रेस्ट कर दे, रुक जाते। नाले ज़िलकाद भी हुरमत वाला महीना है, लड़ाई रोक देंदे, आके बैठ जाते, जंगा बंद कर देंदे, अपने घर अंदर आके बैठ जाते। हुरमत वाला जो महीना आ गया है, लिहाजा इस वजह करके एदा नाम ज़िलकादा है। ज़िलकादा तो अगे आ गया ज़िलहज्जा, हज वाला महीना। ये जंदर पूरी दुनिया तो लोग कट्ठे होके अल्लाह पाक दे घर दा हज करिया कर दे, तां इहदा नाम ज़िलहज पै गया, हज वाला महीना। और इहदी बड़ी फजीलत है, इहदा बड़ा उच्चा मुकाम है, एडी अजमत वाला महीना है। इहदियां पहलियां दस रातां दी अल्लाह पाक ने कसम खाधी है। फरमाया बल फजर वाला याल नाशर, मुझे फजर के वक्त की कसम है और मुझे दस रातों की कसम है। इन्हां दसां रातां तो मुराद ज़िलहज महीने दियां दस रातां। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह पाक दे हां सब तो अफजल अफजल अमल हुआ जिहड़ा जनाब इन्हां दिनां दे अंदर कीता जाए, यानी जनाब माहे ज़िलहज दे अंदर कीता जाए। यह अल्लाह पाक दियां तकबीरां दा महीना। ये अंदर तकबीर पढ़ो कसरत दे नाल, सुबहान अल्लाह अलहमदुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। नाले जिहड़ा महीना ज़िलहज ये भी हुरमत वाला महीना है और इस्लामी साल का आखिरी महीना है। ये टोटल 12 महीने हो गए। खालिक़े कायनात दा कुरान इन्ना इद्दत शहूरी इंदल्लाह 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक समावाति वल अर्द मिनहा अरबातुन हुरम ذلك الدين القيم فلا تظلموا فينا انفسكم। ये टोटल 12 महीने हो गए और इन्हां दे नाम हो गए। अल्लाह इन्हां महीनियां नाल मुहब्बत दी तौफीक देवे, अपनी डायरी अंदर अपने रोजमर्रा जिंदगी दे मामलात अंदर इन्हां महीनियां दी गिनती और तारीख नूं शामिल करो। ये अंदर बरकत है, ये साडे दीन दा हिस्सा है। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।